दूसरी फोटो तो नहीं आ रहे हैं। सोलो साथ में बीलॉग के साथ। अच्छा बीलॉग देखते हो कि नहीं? बीलॉग देखते हो? अरे देखते हैं, तभी तो बोल रहे हैं वैसा लोग। सब्सक्राइब किया कि नहीं मेरे चैनल? अरे सब्सक्राइब किया, शेयर किया भी। सर कर फाइन फाइन। हाय हाउ आर यू? हाय। पहले तो जाना चाहेंगे काम्या के लिए बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि काम्या को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और आई नो हर, एवरीबडी नोज हर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और काफ़ी कहते हैं ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन ऐसा लगता था कि ये काम ही करती रहेगी। तो आप पैसा भी कमा लेते हो, आप काम बहुत करते हो, नाम काम फेम सब कुछ आ जाता है, बट साथ साथ में आपकी लाइफ में खुशियाँ एक्चुअली आपका लाइफ पार्टनर लाता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर काम्या कि फाइनली सेटल हो गई काम्या। मैंने अभी भी कहा कि मैं काम्या को बहुत ज़्यादा संभावना के ज़रिए जानता हूँ। संभावना ने काम्या की बहुत तारीफ़ें की हैं मुझसे, और काम्या की जो सबसे अच्छी मेमोरी मेरे पास है वो बिग बॉस में मैंने काम्या का एक टास्क देखा था जिसमें किसी डब्बे के अंदर रहना था और बहुत 44 घंटे कितने 44-45 घंटे काम्या उसमें रही थी। तो मुझे तो मतलब वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि मैं तो यही चाहूँगा कि वो लाइफ में सब कुछ डिजर्व करती है, उनको सब कुछ मिले और बहुत काम किया उन्होंने लाइफ में। तो अब इस मोमेंट के बाद 2-3 महीने का ब्रेक लें और लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करें, फिर वापस अपना काम शुरू करें। मैंने पिक्चर्स देखी है काम्या की वेडिंग की और इतनी क्यूट लग रही है काम्या। यू नो आप कहते हैं ना दुल्हन के चेहरे पे एक्चुअली जो नूर आता है ना वो शादी वाले दिन आता है, ये मैं मानती हूँ। मैं भी अच्छी लग रही थी, मुझे याद है, तो कोई और कहे ना कहे ये होता है, सच में होता है। तो मैंने जो काम्या की पिक्चर्स देखी है, शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतनी खूबसूरत, बहुत ही सिंपल वो तैयार हुई है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो। लेकिन संभावना को अपनी शादी के पिक्चर में शर्माने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे तो बहुत मेहनत, मैं आई नहीं रही थी शर्म, मुझे याद है आई नहीं थी शर्म। ब्लॉग्स की बात करें तो यस, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और लोगों को ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर बिकॉज बिग बॉस चल रहा है तो ट्विटर पे सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो मैं भी, मुझे पूरा हक है, एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं हमें पूरा हक है कि हम ट्विटर पे जो लिखना चाहें, जो बोलना चाहें बोले, मैं बोलती हूँ। यस, मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं थी इनिशियली। जब मैंने देखना जब शुरू किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अग्रेसिव है, लेकिन जब मैंने बाद में देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत कम अग्रेसिव है, बाकी कहीं ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। सो आई फाउंड सिद्धार्थ गुप्ता, सिद्धार्थ शुक्ला टू बी वेरी वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी नाइस गाय। तो वो तो अब देखो ये सारी चीज़ों से अब हम लोग हट के बात करेंगे कि ये पोक करता है, वो करता है, ये गेम खेलता है, अब उसका टाइम नहीं है। अब टाइम है फिनाले एरा, अपने अपने फेवरेट्स को वोट करो। मेरा फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला है, मैं उसको वोट करूँगी। मेरी फेवरेट शहनाज गिल है, मैं उसके लिए वोट करूँगी। दैट्स इट। मैंने अभी भी सुना ऐसा। हाँ आई डोंट नो, अब वो तो स्वयंवर में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही देखना चाहती थी उसको, मुझे लग रहा था ये दोनों आपस में करेंगे शादी। तुम तो बाद में मिलो, बात करते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन करता रहता है। हम क्यों जज बनेंगे, हम कौन होते हैं जज बनने वाले? जज कुछ भी हो, अगर शहनाज है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए अकेली काफ़ी है। एंड ऑन अ सीरियस नोट, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला टुगेदर, तो चाहे वो शो में हो, चाहे स्वयंवर में हो, चाहे किसी में भी हो, सिडना साथ में हो दिखने ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।